हेलो स्टूडेंट्स क्लास एट टुडे आई एम टेलिंग यू द क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ इंडस्ट्री चैप्टर फाइव इन जोग्राफी तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन व्हाट इज मीन बाय द टर्म इंडस्ट्री इंडस्ट्री से क्या समझते हैं आप इंडस्ट्री क्या है इंडस्ट्री किसे बोलते हैं मीनिंग ऑफ इंडस्ट्री इंडस्ट्री मीन्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स उद्योग कोई भी ऐसी आर्थिक क्रिया उद्योग क्या है कोई भी ऐसी आर्थिक क्रिया दैट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स जो हम वस्तुओं का उत्पादन करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स यानी खनिजों का निष्कर्षण करते हैं एंड प्रोविजन ऑफ सर्विसेज और सेवाएं भी शामिल होती है। इंडस्ट्री हैं इंडस्ट्री कहलाती हैं यानी कि इंडस्ट्री का अर्थ है कोई भी आर्थिक क्रिया जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है जिसमें हम किसी भी वस्तु का प्रोडक्शन करते हैं मानो हम कॉटन से कपड़े बनाते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में या मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं माइनिंग के द्वारा या फिर उसको मैन्यू ट्रांसफॉर्म किया जाता है या कोई भी सर्विसेज जैसे बैंकिंग वगैरह है इंडस्ट्री का रूप लेती हैं इंडस्ट्री कहलाती हैं क्स्ट क्वेश्चन वट आर द मेन फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री किसी भी जगह पर अगर हमें इंडस्ट्री स्टेब्लिश करनी है तो उस इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करने के लिए हमारे पास कौन कौन से फैक्टर्स होने चाहिए मेन फैक्टर्स तो जैसे हम जानते हैं किसी जगह पर अगर इंडस्ट्री हमें इस्टेब्लिश करनी है तो हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए वहाँ पर अगर हम कहें कि हमें यहाँ पे अपने एरिया में इंडस्ट्री लगानी है तो वो मेन फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री जो किसी उद्योग के लोकेशन को प्रोवाइड करते हैं पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मेटेरियल बहुत अर्थ तक अगर हमारे पास उस जगह पर रॉ मेटेरियल अवेलेबल नहीं है तो किसी जगह पर इंडस्ट्री स्टेब्लिश करने में बहुत परेशानियां आएंगी ऐसे ही अगर हम देखें ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन यातायात और याता संचार के साधन भी जरूरी हैं। यातायात होना जरूरी है जिससे कि हम रॉ मटेरियल्स को इंडस्ट्री तक ला सकें और मैन्युफैक्चर गुड्स को फिर मार्केट तक पहुंचा सकें इसके लिए ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है इंपॉर्टेंट लैंड होनी चाहिए किसी जगह पर लैंड अगर अवेलेबल है वो लैंड ट्रांसपोर्ट से जुड़ी हुई हो और रॉ मेटेरियल्स मिलते हो वहां पर एंड वाटर कैपिटल लेबर और मार्केट जरूरी है पानी क्यों जरूरी है किसी जगह पर जैसे कहीं इंडस्ट्री कोई सेट हो रही है तो कपड़ों को रंगने के लिए या मशीनों के साफ सफाई के लिए उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में या जो स्टील है उसको ठंडा करने के लिए हमें पानी की जरूरत होती है कहीं पर स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है या टेक्सटाइल है उसको रंगने के लिए ज़्यादा मात्रा में हमें पानी चाहिए होता है तो रॉ मेटेरियल्स लैंड वाटर और ट्रांसपोर्ट ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कैपिटल्स होना जरूरी है बैंक के द्वारा हमें फाइनेंस हो सकता है लेबर जरूरी है और मार्केट मार्केट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट तो जैसे मैंने बताया लेबर किसी जगह पर स्किल्ड लेबरों का होना बहुत जरूरी है जो रॉ मटेरियल्स को आसानी से ट्रांसफॉर्म करते हो एक्सपर्ट हो जो सस्ते लेबर अवेलेबल हो मार्केट नियर बाई मार्केट जरूरी है ताकि जो मैन्यूफेक्चर गुड्स है वो जल्द से बाजार तक पहुंच सके ये जो फैक्टर हैं वो किसी जगह पर इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने के लिए जरूरी होते हैं इंडस्ट्री लोकेशंस के लिए ये चीजें प्रभाव डालती हैं अगर वहां पे आप समझिए कि रॉ मेटेरियल अवेलेबल नहीं है तो बहुत दूर से रॉ मेटेरियल लाना पड़ेगा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा उस एरिया उस उस वजह से और अगर दूर दूर से लेबर आ रहे हैं स्किल्ड लेबर आ रहे हैं उनकी कॉस्ट उनकी जो वेजिश है वो ज़्यादा हो जाएगी मार्केट नहीं होगा तो बहुत दूर से अवेलेबल कराना पड़ेगा तो ये सारी चीजें किसी जगह पर इंडस्ट्री को इन्फ्लुएंस करती हैं वाटर होना जरूरी है ट्रांसपोर्ट लैंड और रॉ मेटेरियल्स जो भी इंडस्ट्री रिलेटेड है और अगर एक एग्जांपल दू मैं आपको इसमें चीनी उद्योग है मानो तो जरूरी है कि जहाँ पर जो शुगर मिल है उसके नज़दीक के एरिया से शुगर वहाँ पर पहुंचता रहे रॉ मेटेरियल के रूप में जिससे कि हम चीनी और गुड़ बना सकें क्योंकि अगर गन्ना जो है शुगर रॉ मेटेरियल जो है उसको अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस से ट्रेवल करके आ रहा है वो तो हो सकता है गन्ने का जो रस है वो ना बने क्योंकि ये ज़रूरी है कि गन्ने की कटाई के साथ साथ ही गन्ना जल्दी शुगर मिल तक पहुंच जाए अदरवाइज उसमें जो मिठास होती है वो सूखने लग जाती है उसमें जो रस है वो सूखना स्टार्ट कर देता है तो इसीलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बढ़ते हैं विच इंडस्ट्रीज ऑफ एन रिफर टू एज द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री एंड वाई कौन सी इंडस्ट्री मॉडर्न इंडस्ट्री में बैकबोन के रूप में जानी जाती है और क्यों जानी जाती है एक रीड के रूप में जैसे हमारे ह्यूमन uh, बींग में बैकबोन इंपॉर्टेंट होती है पीछे ऐसी एक इंडस्ट्री जो है जो एक बैकबोन कहलाती है मॉडर्न इंडस्ट्री और क्यों कहलाती है वो तो ये देखते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग आयरन और स्टील इंडस्ट्री है बैकबोन है मॉडर्न इंडस्ट्री का बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग निम्न के कारण ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज आयदर मेड ऑफ आयरन अगर अक्सर हम देखते हैं लगभग सब कुछ यहाँ बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं आयरन की बनी होती है या तो स्टील की बनी होती है। हैज़ बिन मेड विथ टूल्स तो आयरन और स्टील के क्या बनाए जाते हैं मेड ऑफ आयरन या स्टील के बनाए जाते हैं टूल्स बनाए जाते हैं और मशीनरी हम अक्सर आप देखते हैं लोहे और स्टील की बहुत सारे टूल्स हैं और मशीनरीज हैं इस मेटेल्स की बनाई जाती हैं दूसरा शिप्स हैं बड़े बड़े जो जहाज हैं, ट्रेनस हैं, ट्रक्स हैं एंड ऑटोमोबाइल्स जो हैं, गाड़ियां जिसे हम कहते हैं आर मेड लार्जली ऑफ स्टील स्टील की बनी होती हैं, फ्रॉम सेफ्टी बिल्स की बनाई जाती हैं और बिग शिप्स आर मेड फ्रॉम स्टील और जो बड़े बड़े जहाज होते हैं वो स्टील के बनाए जाते हैं तो अक्सर हम देखते हैं बड़े बड़े जहाज है ट्रेन है ट्रक्स हैं गाड़ियां हैं ये स्टील की बनी होती हैं और जो सेफ्टी पिन है वो भी बड़ी शिफ्स जो है वो स्टील की बनती हैं ऑयल वेल जो तेल के कुएं होते हैं ऑयल वेल आर ड्रिल्ड विद स्टील मशीन तो ऑयल वेल्स हैं ड्रिल किए जाते हैं स्टीली मशीनों के द्वारा स्टील पाइप होती हैं स्टील की पाइपलाइन बनाई होती है, है ट्रांसपोर्ट ऑयल है तो स्टील पाइप होती हैं और ट्रांसपोर्ट ऑयल होते हैं ट्रांसपोर्ट करते हैं मिनरल्स आर माइन विद स्टील इक्विपमेंट जो मिनरल है, है उसको किस तरीके माइन किए जाते हैं माइनिंग कैसे की जाती है स्टील के इक्विपमेंट्स होते हैं और इवन जो लार्ज बिल्डिंग्स होती है अगर हम बात करें लार्ज बिल्डिंग्स की लार्ज बिल्डिंग्स हैव स्टील फ्रेमवर्क तो आप इसके पॉइंट्स बनाएंगे जो लार्ज बिल्डिंग्स हैं उसके क्या होते हैं स्टील के फ्रेमवर्क होते हैं ये डी पॉइंट आपका बन जाएगा और ये ई e पॉइंट बन जाएगा तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के जो फ्रेमवर्क होते हैं वो स्टील के बनाए जाते हैं यहां तक कि ऑयल जो वेल well है तेल के कुएं हैं वो किसके ड्रिल किए जाते हैं कैसे निकाले जाते हैं ड्रिलिंग कैसे कहते हैं एक मैंने ड्रिलिंग एक ड्रिलिंग बताया था एक क्वेरिंग बताया था और एक माइनिंग बताया था अगर आपको याद हो तो ये प्रोसीजर से हम मान सकते हैं कि जो आयरन है आज सभी बहुत सारे इंडस्ट्रीज के लिए एक बैकबोन का, का काम कर रहा है आधर आज आजकल स्टील की आप देखते हैं चेयर बनती है रेलिंग्स बनती हैं बहुत ज्यादा मात्रा में क्या है स्टील के प्रोडक्ट्स बनते हैं एक बैकबोन बन चुका है आज की डेट में नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है वाई आर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री रैपिडली एक्सपेंडेड इन मुंबई जो कॉटन टेक्सटाइल है वो इंडस्ट्री जो है वो तेजी से मुंबई में क्यों बढ़ रही है कारण क्या है कि वो बहुत तेजी से मुंबई में बढ़ रही है आखिर मुंबई या गुजरात है इन इलाकों में ही क्यों कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बढ़ रही है तो इसके पीछे जो रीजन है आंसर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री रैपिडली एक्सपेंडेड मुंबई बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो निम्न कारण से मुंबई में बढ़ रही है फैला है जो फर्स्ट मिल स्टेब्लिश थी वो मुंबई में स्टैब्लिश हुई थी जैसा कि हम जानते हैं और दूसरा है वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट जो क्लाइमेट है मुंबई की वो वार्म है और मॉइस्ट क्लाइमेट है वहाँ की जो नमी वाला क्लाइमेट है और गर्म है और कॉटन के लिए जरूरी है कि वहाँ की जो क्लाइमेट है वार्म और मॉइस्ट हो पोर्ट फैसिलिटी है वहाँ पर क्योंकि हम आसानी से इंपोर्ट कर सकते हैं मशीनों को और जो मैन्युफैक्चर किया है हमने कॉटन वो आसानी से एक्सपोर्ट किया जा सकता है तो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के लिए पोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल अब, है मुंबई में और गुजरात में अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल और कॉटन टेक्सटाइल इसलिए भी इस्टेब्लिश इस है वहाँ क्योंकि रॉ मटेरियल के रूप में कॉटन आसानी से अवेलेबल है जिसके पीछे एक क्लाइमेट एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है क्योंकि वॉम और मॉइस्ट क्लाइमेट होती है और दूसरा इम्पोर्ट मशीनरी बड़ी बड़ी मशीनों को इम्पोर्ट किया जा सकता है और अगला है अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड लेबर आसानी से यूपी और बिहार से या नज़दीक के इलाकों से स्किल्ड लेवर आसानी से अवेलेबल होते हैं अगला क्वेश्चन से व्हाट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इन बेंगलोर एंड कैलिफोर्निया जो हमने पढ़ा था कि क्या सिमिलैरिटीज आपको दिखती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में इंडस्ट्री बेंगलोर और कैलिफोर्निया में हमें क्या सिमिलैरिटीज दिखती हैं तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि बेंगलोर भी एक क्या है सिलिकॉन अवेलेबल है वहाँ पर सिलिकन वैली कहा जाता है बेंगलोर को कैलिफोर्निया में भी सिलिकन वैली है वहाँ भी सिलिकन पाया जाता है तो इन दोनों एरियाज़ में क्या सिमिलैरिटीज हमको नज़र आती है तो अगर हम देखें इन एरियाज में तो हमको देखते हैं कि बेंगलोर कहाँ लोकेटेड है बेंगलोर इज़ लोकेटेड ऑन डक्कन प्लेटो जो बेंगलोर है वो डक्कन प्लेटो में स्थित है दक, दक्कन के में दक्कन का पठार बोला जाता है वहां स्थित है और जो सिलिकन वैली है वो नेक्स्ट रॉकी माउंटेन रॉकी माउंटेन्स के नियर बाई इलाकों में है सिलिका सिलिकन वैली कैलिफोर्निया में जो हम कहते हैं बोथ है क्लीन इन्वायरमेंट अगर हम दोनों के लोकेशंस को ऑब्जर्व करें तो हम पाते हैं कि इन दोनों में जो है ना इन्वायरमेंट काफ़ी क्लीन इन्वायरमेंट है साफ सुथरा इन्वायरमेंट है इन्वायरमेंट अगर अच्छा है तो मैन पावर बढ़ेगी आदमी ज़्यादा काम करेगा वहाँ पर खुशनुमा अगर माहौल है तो तो क्लीन इन्वायरमेंट पाया जाता है यहाँ पर माइल्ड क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर जो क्लाइमेट है पूरे साल भर कैसा रहता है माइल्ड क्लाइमेट रहता है पूरे साल भर अगला अगला कारण है अगली सिमिलैरिटीज है दोनों जगहों पे माइल्ड क्लाइमेट पाया जाता है साल भर क्लोज टू एजुकेशनल साइंटिफिक अगर हम बेंगलोर की बात करें या हम कैलिफोर्निया की बात करें दोनों ही इलाकों में हम देखते हैं कि एजुकेशनल वे में आ, दोनों ही जो शहर हैं या स्टेट्स हैं एजुकेशनल में कहें हम या साइंटिफिक या टेक्नोलॉजी में कहें बहुत ही आगे हैं आज की डेट में बेंगलोर क्या है एक आईटी टी सेक्टर्स का कहें या एजुकेशनल का कहें हब बन चुका है केंद्र बन चुका है सारी मल्टीनेशनल जो कंपनियां हैं वो आज की डेट में आपको बेंगलोर में मिलेंगी क्लोज टू मेजर रोड्स और ये दोनों ही इलाके मेजर रोडों से और एयरपोर्टों से कनेक्टेड है गुड एक्सेस टू मार्केट और जो मार्केट है मार्केट में अच्छी पहुंच है यानी कि नियर बाई मार्केट है तो आसानी से जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड यहाँ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं, हैं यहाँ पर जैसे मैंने मतलब एजुकेशनल की बात करें या साइंटिफिक में बात करें हम यहाँ टेक्नोलॉजी की बात करें उन सभी में बहुत आगे पाए जाते हैं इन्वामेंट भी अच्छा है और यहाँ पर अगर हम देखें स्किल्ड वर्क बहुत अच्छी बात कही है यहाँ पर स्किल्ड फोर्स वर्क अवेलेबल है और लो रेंट एंड लो कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ किराया बहुत सस्ता होता है और जो कॉस्ट ऑफ़ लिविंग यानी जीने की आज वो है कॉस्ट जो है जिसमें जीवन चल सकता है वो बहुत सस्ता है यानी कि यहाँ पर अगर रेंट सस्ता है तो सब्जी वगैरह या जो लाइफ आदमी की है वो आसानी से कम खर्चे में वो अपनी लाइफ चला सकता है खर्चा कम होता है द कॉस्ट ऑफ़ लिविंग इज लो देर स्किल्ड वर्कफोर्स हैं और एजुकेटेड लोग तो हैं ही वहाँ पर एजुकेशनल हब है वो टेक्नोलॉजी आगे है उनके पास और साइंटिफिकली भी आगे हैं इन्वायरमेंट अच्छा है तो इस तरीके से हमने देखा कैलिफोर्निया कहें हम यहाँ यहाँ भारत में हम इसे बेंगलोर कहें वहां दोनों जगह पर एक सिमिलरिटीज हमें नजर आती है तो आइए आप देखते हैं टिक द करेक्ट आंसर सिलिकॉन वैली इज़ लोकेटेड इन जैसे कि हम जाते हैं सिलिकॉन वैली जो है किस कौन सा शहर जो है सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है बैंगलोरु कैलिफोर्निया एंड अहमदाबाद अब यहाँ पर तीन ऑप्शन हैं तो जो सिलिकॉन वैली है वो कहाँ स्थित है घाटी सिलिकॉन घाटी कहाँ है दैट इज इन कैलिफोर्निया इज राइट ऑप्शन बेंगलोर है सिलिकॉन स्टेट है वो सिलिकन घाटी कैलिफोर्निया में द राइट ऑप्शन इज कैलिफोर्निया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री इज नोन एज सनराइज इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री जो सनराइज इंडस्ट्री के नाम से जानी जाती है सनराइज इंडस्ट्री बोलते हैं जो सूर्य की तरह उभर रही है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ये तो बैकबोन है कॉटन टेक्सटाइल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हम क्या कहेंगे बेटा सनराइज इंडस्ट्री के रूप में उभर रही है राइट ऑप्शन इज सी तो फॉलिंग नेचुरल है जो प्राकृतिक है प्रकृति द्वारा थी है अब ना, नाइलॉन जो है और एक, के जो है ये क्या है आर्टिफिशियल है और जूट क्या है जो गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है दैट इज है नेचुरल फाइबर कहलाता है आइए अब हम करते हैं डिस्टिंग बिटवीन द फॉलोइंग एग्रोवेस्ट एंड मिनरल वेस्ट इंडस्ट्रीज तो अगर हम बात करें एग्रोवेस इंडस्ट्रीज़ की जो एग्रोवेस होते हैं एग्रोवेस उनको बोलते हैं जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है एग्रीकल्चर से उन्हें रॉ मटेरियल मिलता है अगर हम एग्जांपल लें कॉटन इंडस्ट्री शुगरकेन इंडस्ट्री जूट इंडस्ट्री टी इंडस्ट्री द इंडस्ट्री विच ऑप्टेन रॉ मटेरियल फ्रॉम एग्रीकल्चर ऐसी इंडस्ट्रियाँ जो एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल प्राप्त करती हैं अगर हम मस्टर्ड की बात करें सरसों तो जो ऑयल रिफाइनरीज होती हैं जहाँ तेल बनता है इडेबल ऑयल वहाँ पर जैसे मस्टर्ड कहें हम यहाँ ग्राउंडनट है मूंगफली का तेल या सनफ्लावर का ऑयल या सोयाबीन का ऑयल तो ये सारे जो इडेबल ऑयल्स हैं उसके लिए एग्रीकल्चर पर डिपेंड होती है अगर हम कॉटन की बात करें शुगर केन की अगर हम बात करें आर कॉल एग्रोवेस्ट वो इंडस्ट्री जो एग्रीकल्चर से रॉ मेटेरियल प्राप्त करती है आर कॉल एग्रोवेस इंडस्ट्री उन्हीं को एग्रोवेस्ट बोलते हैं ठीक हो गया अब मिनरल वेस्ट इंडस्ट्री किसे बोलेंगे इंडस्ट्री बेस ऑन मिनरल्स वो इंडस्ट्री जो मिनरल्स पर बेस्ट है फॉर दियर मेटेरियल्स पदार्थों के लिए मटेरियल्स के लिए जो मिनरल पर डिपेंड है वो होती है मिनरल बेस बेस मिनरल इंडस्ट्री जो इंडस्ट्रीज के लिए मिनरल पे डिपेंड है उन्हीं को बोला जाता है मिनरल बेस इंडस्ट्रीज दीज इंडस्ट्री प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया जो एग्रो वेस्ट होती है गांव में खेती की जाती है तो ये इंडस्ट्री गांव में बेसिकली रोजगार प्रोवाइड करती है और अगर मिनरल बेस की बात करें दीज प्रोवाइड इंप्लॉयमेंट रूरल और अर्बन गाँव में भी जहां माइनिंग होती है और अर्बन में भी इम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है ठीक है तो हमने देखा कि मिनरल बेस इंडस्ट्रीज गाँव में और शहरों में दोनों जगह पर लोगों को रोजगार प्रोवाइड करती है लेकिन एग्रो बेस्ट इंडस्ट्री केवल गाँव में की गाँव में खेती बाड़ी की जाती है कॉटन उगाया जाता है शुगर केन उगाया जाता है मस्टर्ड उगाया जाता है सरसों उगाया जाता है गेहूं उगाए जाते हैं गेहूं पर कौन सा उद्योग निर्भर है फ्लोर मिल आटा जो मिल होती है आटे की मिल जहाँ आटा तैयार करके थैले में भर के फिर मार्केट में आता है और एग्रोवेस की अगर हम बात करें एग्रोवेस इंडस्ट्रीज आर मोस्टली इन प्राइवेट और पब्लिक प्राइवेट भी होती है वो किसी की पर्सनल उसको प्राइवेट बोलते हैं और पब्लिक भी होती है यानी सरकारी क्योंकि बहुत सारी शुगर मिलें हैं जो गवर्नमेंट भी हैं और प्राइवेट्स भी होती हैं क्योंकि उनमें ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं दीज इंडस्ट्रीज आर जनरली लोकेटेड इन पब्लिक सेक्टर जनरली आमतौर पर हम देखते हैं ये वाली मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री पब्लिक सेक्टर ज़्यादा होती हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए और गवर्नमेंट के पास तो ज़्यादा पैसा रहता ही है हाँ कुछ लोग होते हैं जो हाईली रिच होते हैं उनके बाद भी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री होती हैं जैसे टाटा इंडस्ट्री है धीरू अंबानी की बनाई गई थी टाटा कंपनी तो उनके पास यूज इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा था इसलिए कुछ इंडस्ट्रियां मिनरल वेस्ट प्राइवेट भी होती हैं लेकिन ज्यादातर कह रहा है पब्लिक सेक्टर की होती हैं गवर्नमेंट के अंडर वाली होती है क्योंकि गवर्नमेंट के पास ह्यूज इन्वेस्टमेंट करने के लिए होता है एग्रोवेस के अगर हम एग्जाम्पल देखें जूट है शुगर है और कॉटन है इसी तरह से अगर मिनरल वेस्ट इंडस्ट्री की अगर हम बात करें आयरन है एंड स्टील इंडस्ट्रीज मिनरल वेस इंडस्ट्रीज कहलाते हैं अब बढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की और हमें डिस्टिंग पब्लिक सेक्टर और ज्वाइंट सेक्टर्स में क्या डिफरेंसेस है लेटेस्ट तो जो पब्लिक सेक्टर होते हैं और जो ज्वाइंट सेक्टर होते हैं किनको हम पब्लिक सेक्टर बोलते हैं तो देखते हैं द इंडस्ट्री विच इज ओन एंड कंट्रोल बाय स्टेट और सेंट्रल यानी कि गवर्नमेंट के अंडर तो होता है लेकिन गवर्नमेंट हमारे यहाँ दो तरह की गवर्नमेंट होती है एक सेंट्रल होती है और एक स्टेट होती है तो ये कह रहा है कि वो इंडस्ट्री जो ओन की जाती है और कंट्रोल किसके द्वारा संरक्षित की जाती है स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वो पब्लिक सेक्टर की क्योंकि कुछ कंपनियाँ कुछ इंडस्ट्रियाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होती है और कुछ इंडस्ट्रियाँ स्टेट गवर्नमेंट के अंडर होती हैं के अंडर कंट्रोल होती है उनकी अधिकार क्षेत्र में होती है ज्वाइंट सेक्टर की अगर हम बात करें द इंडस्ट्री विच इज ओन एंड कंट्रोल बाय गवर्नमेंट वो इंडस्ट्री जो ओन की जाती है और कंट्रोल की जाती है कंट्रोल बाय गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल गवर्नमेंट के द्वारा या इंडिविजुअल इंडिविजुअल कहते हैं गवर्नमेंट का किसी कंपनी से मिला जुला के व्यक्ति इंडिविजुअली

कितनी रेलें नई बनेंगी या कितने नए लोगों को रिक्रूट किया जाएगा कब रेलों का संचालन होगा ये सब में सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन लेती है तो इसलिए इंडियन गवर्नमेंट इंडियन जो रेलवे है वो पब्लिक सेक्टर में आती है स्टील प्लांट्स जो हैं दुर्गापुर में और बिलाई तो ये जा रहे जो पब्लिक सेक्टर के प्लांट्स हैं बड़े बड़े क्योंकि इसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है मैंने आपको बताया था जितने स्टील प्लांट होती हैं मिनरल वेस्ट इंडस्ट्रीज हैं मिनरल वेस्ट इंडस्ट्रीज हैं रेलवे के पहिए जहां बनते हैं इस तरह से अगर हम जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री का एग्जाम्पल लें सीमेंट इंडस्ट्री है जिसमें इंडिविजुअल और गवर्नमेंट दोनों मिलकर क्या करते हैं काम करते हैं पेपर इंडस्ट्रीज है नेपानगर मध्य प्रदेश में नेपानगर है काफी फेमस है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इसी तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है तो ये सारे जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज में आते हैं तो इस तरीके से आपका ये इंडस्ट्री चैप्टर आज फिनिश होता है आई होप यू आर राइटिंग यू आर ऑल्सो राइटिंग इन योर कॉपी ऑल्सो एंड जस्ट डू डू द मेक द गुड हैंड राइटिंग इन योर कॉपी थैंक यू